कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ साहब, क्या नाम है आपका सर? वीरभद्र सिंह। और कहाँ से हो सर? बेसिकली एमपी से हैं। अच्छा जी, एमपी से। एमपी में कहाँ से सर? एमपी में सागर। सागर से हो तो यहाँ पहली बार आए हो या इससे पहले भी? मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, मैं पिछली बार आया था पर मैंने तो आपको नहीं देखा उस। नहीं, मैं था नहीं उस टाइम पे, लड़का रहते हैं हम। अच्छा जी, कभी कभार आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर प्याज में डील कर रहे हो? प्याज में डील करते हैं साहब, ऑल ओवर इंडिया, एक्सपोर्ट सब कुछ। अच्छा जी। तो सर अभी जैसे अगर सागर की बात करें तो वहाँ क्या रेट चल रहा है? सागर में रेट चल रहा अभी 38 से 40 रुपए के बीच में। 38 रुपए से 40 रुपए किलो चल रहा है बीच में। और सर जैसे यहाँ किस रेंज में खरीद रहे हो? यहाँ की रेंज सर आप देखिए, आज का रेट जो निकला है 34 रुपए से लेके 36-37 रुपए के बीच में आया है। अच्छा जी, आपका ये इस रेंज में खरीद रहे हो? हाँ, मतलब बाकी तो 28-30 भी बिक रहा है। 28 भी बिक रहा है, अपना अपना माल है, अपनी अपनी क्वालिटी है। जिसको सुपर क्वालिटी में लेना है उसका रेट ज़्यादा हाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी माल तो यहाँ 28 से लेके 35-36 तक निकला है। बिल्कुल जी। सर अगर बात करें किराया भाड़ा की तो किराया भाड़ा कितना लग जाता है? किराया भाड़ा देखिए, अलग अलग रीजन पे अलग अलग किराया भाड़ा है। इसमें पंजाब का अलग है, 2 रुपए के आसपास पंजाब का पड़ता है। अच्छा जी। दिल्ली भी लगभग यही चलता है, 1.5-2 रुपए के आसपास। बाकी यूपी है तो 4-4.5 रुपए के आसपास आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार साइड में कितना पड़ जाता है? बिहार साइड में अभी माल जा नहीं रहा है यहाँ से। अच्छा जी। उतना ज़्यादा, क्योंकि माल की अभी वो क्वालिटी भी नहीं है, क्वालिटी नहीं है उतनी, लंबी लोडिंग के लिए अभी मुश्किल है, वो दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ का जैसे खैरथल जो माहौल कैसा है व्यापारियों का कुछ? नहीं, अच्छा माहौल है, बढ़िया लोग हैं। बढ़िया लोग हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। और सर प्याज का जैसे अगर भाव की बात करें जी, तो अचानक से ये जो गिरावट आई है इसका हाँ, कुछ कारण समझ में आया आपको? गिरावट प्याज में, वैसे गिरावट तो नहीं, आज तो चढ़ाव है प्याज में। आज थोड़ा बहुत 1-1.5 रुपए का चढ़ाव है, बाकी अगर देखें तो सर 60-65 रुपए बिका था नया वाला प्याज और लगातार गिरता हुआ आ रहा है सर। देखिए अब प्याज गिरने का कारण एक होता है, अगर आप इस चीज को कवर करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। प्याज लाल प्याज जो निकलता है इंडिया में कम से कम 6 से 7 पॉइंट से निकलता है। बिल्कुल। तो पहले जहाँ जहाँ निकलता है तब रेट वहाँ का ज़्यादा हाई होता है, जैसे जैसे सब जगह निकलना चालू होता है तो रेट भी गिरता है, क्योंकि आवक बढ़ती है मंडियों में तो रेट भी गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी कुछ उम्मीद लग रही है, जैसे कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई हो सकता है। आप ये उम्मीद ना करें कि 60 के भाव में बिकेगा, 65 के भाव में बिकेगा, वो उम्मीद भूल जाएं आप लोग। अच्छा जी, ऐसा हो नहीं सकता। मार्केट में रेट रहेंगे यही, लगभग 35 से 40 के बीच का ही चलेगा मार्केट। सर जैसे अभी परसों पप्पू भाई प्रधान ने भी किसानों को चेताया है कि भाई ऐसे आओ मत लेके आओ, आने वाले समय में प्याज फिर महंगा होगा। तो लेकिन इस प्याज को रोक नहीं सकते ना हम ज्यादा दिन, ये बात भी है। अगर खुदाई कर ली है तो रोक नहीं सकते, खुदाई की बजाय आप बल्कि उसको प्याज को थोड़ा पकने दें। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वालिटी बनेगा तो रेट भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से बाजार आगे यही रहने वाले हैं आगे कुछ? अभी तक तो बाजार दो हफ्ते तक के बाजार यही चलेंगे। अच्छा जी, अच्छा। अब देखिए बाकी बाजार सबके हाथ में थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं, बाजार नासिक वालों के हाथ में तो जरूर होता है। नासिक वालों के बाजार हाथ में होता है, लेकिन इस बार नासिक में भी प्याज की थोड़ी आवक कम है। अभी तो आवक बढ़ी हुई है पर सर, लेकिन कम है। जो पुराना प्याज है इस टाइम लगभग 10% के या 15% के बीच में, और वो वहाँ की खुद की डिमांड है उनकी। 5-10% से 15% से ऊपर बाजार नहीं है अभी वहाँ पे। अच्छा, पुराने का। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही माल बचा हुआ, माल लगभग खत्म है। बिल्कुल। तो सारा अभी नासिक का लाल प्याज निकल गया है, एमपी का निकल रहा है। हाँ, एमपी में भी शुरू हो गए, 10-15 हज़ार कट्टे आने लग गए मंडियों में। जी, वो भी चालू हो गया। यहाँ कैथल अलवर निकल ही रहा है। बिल्कुल सर, धीरे धीरे अपना ये भी चालू हो रहा है, गुजरात गोंडल वगैरह का। हाँ, गुजरात भी चालू हो जाएगा, थोड़े दिनों में सुखसागर भी चालू हो जाएगा, बंगाल का माल। बिल्कुल। तो लगभग प्याज सब जगह होगा, इसलिए ज़्यादा भाव बढ़ने की आशा तो नहीं लग रही मुझे। तो सर जैसे यूपी में प्याज लगभग नहीं होता ना? होता है, कम होता है, उतना नहीं होता कि वो पूरे देश को सप्लाई कर सके। बाकी ये 4-5 जगह हैं, एमपी हुआ, बिल्कुल राजस्थान हुआ, और आपका गुजरात है, गुजरात हुआ और नासिक हुआ। ये 4 ही पॉइंट ऐसे हैं जो पूरे भारत को प्याज दे सकते हैं। बिल्कुल। यूपी वाले तो आलू देते हैं सर। हाँ, आलू वाले हैं यूपी वाले। तो सर अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर है पता है? जी बिल्कुल है, 800-4141-462। मेरा नासिक में भी काम है, एमपी में भी काम है, और यहाँ आपके साथ में ही खड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।